जय हिंद दोस्तों, मैं गौतम कुमार स्वागत करता हूँ आपका स्टडी स्पार्क यूट्यूब फैमिली में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं पांचवें चरण प्रशासनिक नीतियों के माध्यम से साम्राज्य विस्तार और समेकन पे बात करते हैं। अंग्रेजों ने अपने प्रशासनिक नीतियों के माध्यम से साम्राज्य विस्तार हेतु तीन नीतियों को लाया। वो थी रिंग फेंस की नीति, सहायक संधि की नीति और तीसरा वैपगत का सिद्धांत नीति। हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं रिंग फेंस की नीति की। रिंग फेंस की नीति वारेन हेस्टिंग्स द्वारा तैयार की गई थी। यह नीति मैसूर, मराठों और हैदराबाद के शक्तिशाली संयोजन के निपटने के लिए तैयार की गई थी। इस नीति के तहत ब्रिटिश सीमाओं की सुरक्षा के लिए पड़ोसी सीमाओं के बचाव हेतु इसे तैयार किया गया था। इस प्रकार इसका उद्देश्य कंपनी की सीमाओं की सुरक्षा के लिए बफर जोन बनाना था। इस नीति का उपयोग मराठों और मैसूर के खिलाफ युद्ध से स्पष्ट था। यह नीति अवध में लागू की गई थी। अवध की रक्षा ने बंगाल की रक्षा सुनिश्चित की। इसके तहत अवध को अपने स्वयं के खर्चे पर बाहरी आक्रमण के खिलाफ सैन्य सहायता की पेशकश की गई थी। वहीं बात करें सहायक संधि की नीति की, इस नीति को गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने शुरू किया। लॉर्ड वेलेजली का कार्यकाल 1798 से 1805 था। इस नीति के तहत सहायक गठबंधन के लिए सहमत राज्यों को अपने क्षेत्र के अंदर ब्रिटिश सेना की स्थायी तैनाती को स्वीकार करना था और इसके रखरखाव के लिए सहायता राशि का भुगतान करना था। उनके दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट का पद भी आवश्यक था। नीति के तहत अन्य दायित्व यह थे कि वह किसी भी यूरोपियों को अपनी सेवा में अंग्रेजों की पूर्व स्वीकृति के बिना नियोजित नहीं कर सकता था। नियोजन के लिए अंग्रेजों से अनुमति आवश्यक थी, न ही गवर्नर जनरल से परामर्श किए बिना किसी अन्य भारतीय शासक के साथ बातचीत कर सकता था। बदले में ब्रिटिश राज के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाएंगे और शत्रुओं से राज्य की रक्षा करेंगे। सहायक संधि की नीति के तहत भारत के 100 से अधिक छोटे और बड़े राज्यों द्वारा सहायक गठबंधन पर हस्ताक्षर किए गए थे। सहायक गठबंधन प्रणाली स्वीकार करने वाले महत्वपूर्ण भारतीय राज्य थे हैदराबाद सितंबर 1798 और 1800 ईस्वी में, मैसूर 1799 ईस्वी में, तंजौर अक्टूबर 1799 में, अवध नवंबर 1801 में, पेशवा दिसंबर 1801 में, बरार, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मचेरी, बूंदी के राजपूत राज, भरतपुर के शासक सहायक संधि की नीति के तहत हस्ताक्षर करने वाले महत्वपूर्ण राज्य थे। होलकर 1818 ईस्वी में सहायक संधि की नीति के तहत हस्ताक्षर करने वाले राज्य थे। वहीं तीसरा जो चरण था, तीसरा जो नीति थी इसकी, वैपगत का सिद्धांत, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं, इस नीति का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को जाता है। इनका कार्यकाल 1848 से 56 था, लेकिन वह इस नीति का जनक नहीं था। अगर सच्चे मायनों में बोला जाए तो वैपगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति का जनक फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले थे। इस नीति के तहत कोई दत्तक पुत्र राज सिंहासन का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता था। इसके तहत यह निर्णय अंग्रेज लेंगे कि एक दत्तक पुत्र को सिंहासन का अधिकारी माने या सिंहासन को हड़प लें। हिंदू कानून और भारतीय रिवाज इस नियम के बारे में निर्णायक नहीं रह गए थे। हालांकि इसे ब्रिटिश साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करने के लिए अपनाया गया था। अंग्रेजों के लिए सौभाग्यवश और भारतीय राज्यों के लिए दुर्भाग्यवश रूप से लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान दत्तक पुत्रों के ऐसे कई मामले थे। दत्तक उत्तराधिकारियों वाले महत्वपूर्ण राज्य सतारा 1848, झांसी और नागपुर 1854 थे। कुछ छोटे राज्य भी थे, जैसे मध्य प्रदेश में बाघाट, उड़ीसा में संभलपुर और बुंदेलखंड में जैतपुर। लॉर्ड डलहौजी इस नीति को लागू करने के लिए बहुत उतावले थे। वैपगत के सिद्धांत के तहत अधिकृत कुछ महत्वपूर्ण राज्य हैं, जैसे कि सतारा, नागपुर, झांसी, संभलपुर, बुंदेलखंड में जैतपुर, उदयपुर। चलिए इन राज्यों के बारे में कुछ जो फैक्ट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको जान लेते हैं।
बात करते हैं सतारा की। सतारा राज्य के राजा की 1848 में बिना किसी उत्तराधिकारी पुत्र के मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया था। पुत्र के दत्तक ग्रहण को इस आधार पर अवैध घोषित कर दिया गया कि अंग्रेजों से गोद लेने के लिए पूर्व से अनुमति नहीं ली गई। निदेशक मंडल ने घोषणा की कि सतारा जैसी एक आश्रित रियासत प्रधान शक्ति जो कि उस समय अंग्रेज थी की सहमति के बिना दत्तक पुत्र को गोद नहीं ले सकते। ब्रिटिश साम्राज्य ने इस प्रकार सतारा को हड़प लिया। सतारा पर कब्जे को किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। ये जबरदस्ती थी अंग्रेजों की, जैसा मन था अपने हिसाब से नीति चलाते थे। इनका काम था हेड भी मेरा टेल भी मेरा, नीतियाँ भी अपने फायदे के लिए बनाते थे, उनका अपना स्वार्थ था। वही दूसरा राज्य नागपुर की बात करते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत इन्हें मिलाया गया था। नागपुर के राजा की 1853 में मृत्यु हो गई। 1853 में अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने अपनी रानी को एक पुत्र गोद लेने का निर्देश दिया था। रानी ने यशवंत राव को गोद लिया। गोद लेना हिंदू रिवाजों और प्रथाओं के अनुसार पूरी तरह से वैध था, वैलिड था, लेकिन डलहौजी ने दत्तक पुत्र को नागपुर के राजा के रूप में मान्यता नहीं दी। इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा नागपुर पर कब्जा कर लिया गया। तीसरा महत्वपूर्ण राज्य है झांसी, जिसके बारे में हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसे भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। 1835 में राव रामचंद्र की मृत्यु के बाद उनके दत्तक पुत्र को अंग्रेजों, जिन्होंने रघुनाथ राव को झांसी के सिंहासन पर बिठाया था, मान्यता नहीं दी। रघुनाथ राव के उत्तराधिकारी गंगाधर राव थे, जिनकी मृत्यु 1853 में हो गई थी। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने आनंद राव को अपने पुत्र के रूप में गोद लिया था। डलहौजी ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया और झांसी राज्य पर कब्जा कर लिया। इस कब्जे का तात्कालिक प्रभाव यह था कि झांसी की लक्ष्मीबाई ने प्रतिशोध लेने के लिए 1857 के विद्रोह में प्रमुख भूमिका निभाई थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, वीरांगना थी। इतिहास आज भी सलाम करता है इन वीरांगनाओं का। अब बात करते हैं चौथे राज संभलपुर को, जिसे भी वेबगत के सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत मिलाया गया था। संभलपुर के मामले में मृतक राजा ने किसी पुत्र को गोद नहीं लिया था, बल्कि 1849 में उसकी मृत्यु से पहले उसने यह विचार व्यक्त किया था कि उसके लोग उसकी मृत्यु के बाद अंग्रेजों की सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। डलहौजी ने संभलपुर राज पर भी कब्जा कर लिया। ये तो पहले ही बोल के चला गया कि अंग्रेज को दे देना मेरे मरने के बाद मेरा साम्राज्य। यानी कि उसका अगर अपनी जनता से वो कह रहा है कि अपना विचार दे रहा है कि मेरी मृत्यु के बाद अंग्रेजों से अपनी सुरक्षा प्राप्त कर सकता है, इनडायरेक्टली तो वो दे ही दिया ना। वहीं अंग्रेजों द्वारा हड़पे गए पांचवा राज था बुंदेलखंड में जैतपुर। जैतपुर राज को भी ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा हड़प लिया गया था, क्योंकि इस शासक की मृत्यु 1849 में हो गई थी और इनके मृत्यु के समय इनके साम्राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। अंग्रेजों ने उदयपुर को भी वेबगत के सिद्धांत के अंतर्गत अपने साम्राज्य में मिला लिया। 1852 में जब इसके शासक की बिना उत्तराधिकारी के मृत्यु हो गई थी, ब्रिटिश शासन द्वारा यह राज्य हड़प लिया गया। इस प्रकार लॉर्ड डलहौजी ने गवर्नर जनरल के रूप में अपने 8 वर्ष के कार्यकाल 1848 से 1856 के दौरान कुल 8 राज्यों पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, फिर भी हमने यहाँ पर अंग्रेजों के विस्तार नीति का पांचवा चरण समाप्त कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अंग्रेजों की छठे चरण की बात करेंगे और वो छठा चरण होगा अंग्रेजों की आर्थिक नीति। थैंक यू। नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के बीच इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। थैंक यू।